तो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन ड्यू टू होमोफोन्स एंड हाइमोनियम्स तो सबसे पहले हम देखेंगे सीमेंटिक बैरियर क्या होता है तो सीमेंटिक बैरियर इट रेफर्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिम्बल्स यूज इन कम्युनिकेशन तो सीमेंटिक बैरियर क्या होता है कई बार एक ही शब्द के या एक ही सिंबल के जो हैं अलग अलग मीनिंग होते हैं कई बार एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं तो उन अलग अलग मीनिंग्स के कारण स्पीकर और लिसनर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है उसे कहा जाता है सिमेंटिक बैरियर आगे आगे है अ वर्ड हैज़ मोर देन वन मीनिंग द स्पीकर uses इट फॉर वन मीनिंग बट द listener टेक्स इट्स इट्स second मीनिंग ड्यू टू विच अंडरस्टैंडिंग बिटवीन them arises इट is semantic बैरियर तो एक ही शब्द का जो है एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं स्पीकर ने उस शब्द को पहले मीनिंग के अनुसार बोला लेकिन लिसनर्स ने उसके सेकेंड मीनिंग को समझा तो इस वजह से दोनों के बीच मिस अराइज हो गई और ये मिस अंडरस्टैंडिंग बैरियर कहलाते हैं इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे लेट्स सी वन एग्जाम्पल तो इसका हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे The word Dada means grandfather in Hindi and elder brother in Bengali. So, if we use the word Dada in front of our Bengali friend for our grandfather, but our Bengali friend may think that we have used Dada. फ़ॉर आवर एल्डर ब्रदर सो इट विल क्रिएट अस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर तो क्या है एक शब्द है दादा जिसका मीनिंग हिंदी में होता है ग्रैंड फ़ादर यानी हमारे फादर के फ़ादर एंड एल्डर ब्रदर इन बंगाली और बंगाली भाषा में इसका मतलब होता है बड़ा भाई तो अगर हम अपने किसी बंगाली दोस्त के सामने वर्ड दादा यूज़ करते हैं अपने ग्रैंड फादर के लिए लेकिन हमारा बंगाली दोस्त जो है वो इसका मतलब लेता है बड़े भाई से तो इस वजह से जो है दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी वो होगा सीमेंटिंग बैरियर नाउ वी शैल सी व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड होमोफोन तो होमोफोन वर्ड का मीनिंग होता है होमोफोन्स आर वर्ड्स हुज प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम बट देयर मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट तो होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनकी प्रोनाउंशन और जिनकी प्रोनाउंशिएशन लगभग सेम होती है लेकिन उनके जो मीनिंग्स हैं और उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट होती है प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होती है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होती है इनका पहला एग्जांपल है वर्ड पेल एंड पेल दोनों की प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है तो द वर्ड पी ए एल ई पेल इसका मतलब होता है येलो पीला और जो शब्द है पी ए आई एल पेल इसका मतलब होता है बाल्टी और अगला वर्ड है हमारा अलाउड एंड अलाउड दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है लेकिन स्पेलिंग्स इनकी डिफरेंट है और जो और जो वर्ड है ए डबल एल ओ डब्ल्यू ई डी अलाउड इसका मतलब होता है किसी को परमिशन देना और एल ओ यू डी अलाउड का मतलब होता है टू स्पीक इन हाई वॉल्यूम यानी ऊंची आवाज में बात करना और इसके बाद आगे हम तीन शब्द के ऐसे एग्जाम्पल देंगे देखेंगे तीन शब्द हैं बाय बाय एंड बाय इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है सो द वर्ड बाय बी वाई ई बाय मीन्स टू से फेयरवेल टू समन तो बी वाई ई बाय का मतलब होता है किसी को विदा कहना और बी वाई बाय का मतलब होता है थ्रू यानी द्वारा और वर्ड बी वाई बाय का मतलब होता है टू परचेज यानी किसी चीज़ को खरीदना तो इस तरह के होमोफोन्स के कारण कई बार जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है स्पीकर और लिसनर के बीच में और वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहलाती है सिमेंटिक बैरियर आगे हम देखेंगे हार्नोम हाँ, आगे हम देखेंगे हारमोनीम्स के बारे में हारमोनीम्स क्या होते हैं दीज आर द वर्ड्स हु स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंशिएशन आर सेम बट मीनिंग्स आर डिफरेंट तो ये वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंशियशन एकदम सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स बैंक एंड बैंक हैव सेम स्पेलिंग बट मीनिंग्स आर डिफरेंट तो शब्द है बैंक और दूसरा शब्द भी है बैंक और इनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंशियशन एकदम सेम है द फर्स्ट वर्ड्स मीनिंग इज़ ट्रस्ट तो पहला जो शब्द है बैंक उसका मीनिंग होता है ट्रस्ट यानी भरोसा एंड द सेकेंड वर्ड्स मीनिंग इज़ प्लेस वेयर मनी इज कैप्ट सेकंड जो वर्ड है बैंक उसका मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ हम पैसे रखते हैं यानी बैंक तो दोनों शब्दों की प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग एकदम सेम है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हैं तो ये भी हम हम होमोनियम्स का एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट है द वर्ड्स क्रेन एंड क्रेन आल्सो हैव सेम स्पेलिंग्स बट मीनिंग्स आर डिफरेंट तो दो शब्द हैं क्रेन और क्रेन इनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंशिएशन एकदम सेम है बट इनकी जो प्रोनाउंश बट इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है ठीक है द फर्स्ट वर्ड्स मीनिंग इज़ अ मशीन विच लिफ्ट्स हैवी ऑब्जेक्ट्स तो पहले वर्ड क्रेन का जो मीनिंग हुआ वो हुआ एक ऐसी मशीन जो बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाती है एंड सेकेंड वर्ड्स मीनिंग इज अ बर्ड विद लॉन्ग नेक और दूसरे शब्द क्रेन का मीनिंग हुआ एक ऐसा पक्षी जिसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है तो इस तरह के हारमोनीय्स शब्द के कारण भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है स्पीकर और लिसनर के बीच में और वो सीमेंटिक बैरियर कहलाती है सो द कन्फ्यूजन अराइजेज ड्यू टू दिस डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ होमोफोन्स एंड हारमोनीय्स गिव्स राइज टू सीमेंटिक बैरियर्स इन कम्युनिकेशन तो जो भी कन्फ्यूज़न अराइज़ हो जाता है इन होमोफोन्स और हारमोनीम्स के कारण उससे जो है सीमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होते हैं